नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एक और नई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट हैं या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी स्टूडेंट को अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, एडमिशन कैंसिल करवाने का कोई भी रीज़न हो सकता है आपका, और उसकी आपको फ़ीस रिफ़ंड करवानी है, कितनी रिफ़ंड मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ बताऊंगा कि अगर किसी स्टूडेंट को एक कोर्स या फिर एक डिपार्टमेंट की जो फ़ीस है अपनी दूसरे कोर्स या दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्टमेंट करानी है तो वो कैसे एडजस्ट होगी। और तीसरी बात इसमें ये रहेगी कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई भी अपनी ज़्यादा फ़ीस पे कर दी है तो जो एक्सेस फ़ीस है, उसकी ज़्यादा फ़ीस जो उसने पे की है, वो कैसे रिफ़ंड उसको मिलेगी, ये तीनों बातें इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ़ीस एडजस्टमेंट कैसे करवाते हैं मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको जर्नल कोर्स और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का बेसिक डिफरेंस पता होगा। अगर किसी को इसका डिफरेंस नहीं पता तो मेरे पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। उसके बाद फ़ीस एडजस्टमेंट का मतलब जो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी का एडमिशन एक कोर्स में हो चुका है और दूसरे कोर्स में भी उसका एडमिशन हो चुका है, लेकिन उसने पहले वाले कोर्स में अपनी फ़ीस पे कर दी थी, अब उसको लगता है कि मेरे को दूसरे कोर्स में एडमिशन करवाना चाहिए, तो वो उसकी फ़ीस दूसरे कोर्स में कैसे एडजस्ट करवाएगा, तो उसके बारे में ये डिटेल है कि अगर किसी का जर्नल कोर्स में एडमिशन हुआ था, अब उसको जर्नल कोर्स में ही अपना जो फ़ीस है वो एडजस्ट करवानी है, या जर्नल कोर्स से सेल्फ फाइनेंस कोर्स में, या इसका वाइस वर्सा, या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स से सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में भी आप फ़ीस एडजस्ट करवा सकते हैं, या किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी। इसके लिए आपका फॉर्म रहेगा एनेक्चर 15। ये जो फॉर्म है, जितने भी फॉर्म बताऊँगा आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको ये फॉर्म दिखा देता हूँ। ये जो फॉर्म रहेगा आपका फ़ीस एडजस्टमेंट का है, इसको आप खुद फिल करके अपने डिपार्टमेंट में वेरीफाई करवा के, जो भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको फिल कर पाओगे, क्योंकि अगर मैं इसको फिल करके बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप इस फॉर्म को प्रोस्पेक्टस से डाउनलोड करके कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा। उसके बाद अब बात आती है कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी फ़ीस ज़्यादा पे कर दी थी, उसको वो फ़ीस रिफ़ंड चाहिए, या फिर अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है उसकी फ़ीस वापस चाहिए, तो उन दोनों के केस में ये रूल आपके चलेंगे। यहाँ पर दोनों के लिए ये रूल रहेंगे, और लेकिन इनका फॉर्म अलग अलग है, वो भी बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि अगर आप एडमिशन की लास्ट डेट से पहले अपनी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड करवाते हैं या फिर अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, तो आपको 90% मिल जाएगी, 10% डिडक्शन होगी। और अब इसमें लास्ट डेट कौन सी रहेगी, लास्ट डेट की भी इन्होंने डेफिनेशन नीचे दी है, वो भी बताऊंगा यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि अगर लास्ट डेट जाने के बाद 15 दिनों तक आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवाते हैं या एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो 80% मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर 15 दिनों के बाद लेकिन 30 दिन से पहले करवाते हैं तो आपको 50% आपका जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगा, चाहे एडमिशन कैंसिल का हो या फिर आपका एक्सेस फ़ीस जो आपने पे की थी उसका रिफ़ंड का हो, ये दोनों के बारे में केस रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर करवाओगे तो बिल्कुल भी रिफ़ंड नहीं होगा, कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर इन्होंने केस बताया है कि अगर किसी स्टूडेंट की डेथ हो जाती है या डिसेबल हो जाता है, तो और अगर वो इन तीनों कैटेगरी के अंदर अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवाता है, यानी कि इस इतने टाइम के अंदर, तो उसको तो पूरी फ़ीस मिल जाएगी, उसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि लास्ट डेट कौन सी मानी जाएगी। इन्होंने बताया कि लास्ट डेट वो होगी जो फाइनल लिस्ट डिस्प्ले होती है आपकी, जिस दिन, जैसे फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड, फाइनल लिस्ट होती है ना जो आपकी, उस दिन तक आपकी लास्ट डेट मानी जाएगी। और इन्होंने इसमें ब्रैकेट में भी बताया कि जब आप फिजिकल प्रेजेंस के लिए अटेंडेंस लगाते हैं तब तक आपकी जो लास्ट डेट है वो कंसीडर करेंगे यहाँ पर, या आप खुद भी रीड कर सकते हैं। और इसके लिए जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला फॉर्म रहेगा आपका, अगर यूनिवर्सिटी कैंपस वाले किसी स्टूडेंट ने अपनी ज़्यादा फ़ीस पे कर दी थी, उसने अपनी एक्सेस फ़ीस रिफ़ंड करवानी है, तो ये फॉर्म रहेगा आपका। ये सिर्फ कैंपस वाले स्टूडेंट के लिए है ये वाला फॉर्म। इसमें आप अपनी जानकारी फिल कर देना, जो भी यहाँ इन्होंने मांगी है। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी इन्होंने बताए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चलेगी, और इसी प्रकार से फ़ीस रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सभी, आधार कार्ड और आपका बैंक की पासबुक, वो भी
सेल्फ अटेस्टेड चलेगी उसकी फ़ोटोकॉपी। और ये बैंक की जो डिटेल है आपको बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि बैंक में ही आपके पैसे जो है वो रिफ़ंड आएंगे। उसके बाद ये फॉर्म उनके लिए रहेगा, कोई भी स्टूडेंट है चाहे कॉलेज का है या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस का है, उसको अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवानी है एडमिशन के लिए, तो आपका नेक्स्ट ईयर ये चलेगा। और ये जो सभी फॉर्म है आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे, या फिर मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पर भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे। और इनके लिए जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो फ़ीस की रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, आधार कार्ड की, और यहाँ पर पासबुक की, जो बैंक की पासबुक होती है उसकी फ़ोटोकॉपी, और बैंक की डिटेल बिल्कुल ध्यान से पे करनी है। और फिर उसके बाद जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपका कॉलेज है, वहाँ पर आप इसको सबमिट करवाओगे इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कोई भी डाउट अगर बचा है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।